हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं तो आप क्वेश्चन को बनाने के दौरान कन्फ्यूज नहीं करते हैं। तो यह टाइम एंड डिस्टेंस का आपका पहला वीडियो होगा, इसके अलावा भी इसका वीडियो आपको मिलता रहेगा। बारी बारी से आप इन सभी वीडियो को देखते रहिएगा ताकि यह जो टॉपिक है उसका कम्प्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह देखिए कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिक फार्मूला क्या यूज करते हैं। तो बेसिक फार्मूला हम लोग वही सब यूज करते हैं जो बचपन में आपने सीखा था। जैसे पहला देख लीजिए क्या है, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी अगर हमें दूरी बताना होगा तो हम चाल और समय का आपस में गुना करेंगे। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यह एक ऐसा टॉपिक है अर्थमेटिक के अंदर जहाँ पर हम लोग यूनिट का भी उपयोग करते हैं। यूनिट कहने का मतलब कि मात्रक का उपयोग करते हैं। जैसे दूरी, तो दूरी जहाँ भी मिलेगा उसमें मीटर या किलोमीटर लगा हुआ होगा। समय जहाँ मिलेगा तो उसके साथ मिनट, सेकेंड, आवर कुछ ना कुछ लगा होगा। और चाल के साथ किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड लगा होगा। तो यूनिट का भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जो आगे अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हम लोग यूज करते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कि जब भी दूरी बताना होगा तो हम चाल गुने समय करेंगे। जैसे किसी रेलगाड़ी का चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसी तरीके से चाल आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर इसका मतलब आप समझ लीजिए, चाल इस तरीके से ही आपको मिलेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि रेलगाड़ी प्रति आवर में यानी प्रति घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो किसी भी रेलगाड़ी के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी ट्रेन के द्वारा एक घंटा में तय दूरी ही आपका क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। तो इस तरीके से लिखा हुआ रहे, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यह रेलगाड़ी एक घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आप देखते होंगे गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ रहता है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब है कि प्रति घंटा यानी एक घंटे में यह रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अब आप एक चीज़ हमें बताओ कि अगर यह रेलगाड़ी एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है तो इसके द्वारा दो घंटा में तय दूरी क्या होगा। तो एक घंटा में वही हमें पता है कि 40 किलोमीटर, तो दो घंटा में 40 गुना दो यानी कि 80 किलोमीटर। और अगर आप फॉर्मूला लगाइएगा तो दूरी बराबर, हमें दूरी ही बताना है, डिस्टेंस ही बताना है, तो दूरी बराबर हम लिखेंगे चाल गुने समय। जब आप चाल गुने समय करिएगा तो देखिए इसमें होगा क्या, यह आवर आपका बट्टा में है, प्रति लिखा गया मतलब कि बट्टा में है। तो यह आवर नीचे है, यह आवर ऊपर है, समझ पा रहे हैं ना आप इसको। यह आवर कहाँ पे है, बट्टा दिया गया है ना, तो नीचे है और यह आवर ऊपर है। तो आवर से आवर कैंसिल हो गया, 40 गुने दो कितना हो गया आपका 80। और यूनिट देखिए किसका बचा है, केवल किलोमीटर बचा है, मतलब हम लोग दूरी निकाले इसलिए केवल दूरी का यूनिट आपका यहाँ पे बचा है। तो 80 किलोमीटर दूरी हो गया। उसी तरीके से किसी रेलगाड़ी का स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके द्वारा 5 घंटा में तय दूरी क्या होगा। तो दूरी बराबर हम लोग चाल गुने समय कर लेंगे, सिंपल, आवर से आवर कैंसिल, यह आवर आपका बट्टा में है, किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब बट्टा होता है, 9×5=450। और वैसे भी हम लोग को पता है कि स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति आवर, यानी प्रत्येक घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 5 घंटा में 9×5=450 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन फॉर्मूला का हम एग्जाम्पल आपको दे रहे थे, तो बेसिक फार्मूला क्या है आपका, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब इसी फार्मूला से देख लीजिए दो फार्मूला और बन गया। दो फार्मूला क्या बना, अगर चाल और समय निकालना होगा तो हम इसी का उपयोग करेंगे। देखिए इसमें तीनों है, दूरी, चाल, समय। अगर चाल पूछे ना तो चाल को आप इस तरफ रहने दीजिए और समय इधर गुना में इधर लाइएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो चाल बराबर समय भाग में आएगा तो दूरी बट्टा समय। तो चाल बराबर देख लीजिए दूरी बट्टा समय है। और अगर समय निकालना होगा तो समय को इस तरफ छोड़िए, चाल को इधर लाइए तो चाल बट्टा में हो जाएगा। चाल बट्टा में यानी कि समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टा चाल होगा। तो चाल और समय में से कुछ भी निकालना होगा ना तो ध्यान रखिएगा कि दूरी हमेशा ऊपर रहेगा। दूरी हमेशा कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। चाल दूरी बट्टा समय, समय दूरी बट्टा चाल। और कोई दो देगा तभी आपसे तीसरा पूछेगा, चाल और समय देगा तो दूरी पूछेगा, दूरी समय देगा तो चाल पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और इसके थ्योरी को हम लोग देखते हैं, खास करके ट्रेन से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको हम लोग देखते हैं। तो तीनों फार्मूला आप देख लिए, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल। आगे देखिए क्या है, एक ट्रेन 100, एक क्वेश्चन सिंपल सा हम लोग देख रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से जो आगे का थ्योरी है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो क्या आप इस रेलगाड़ी का स्पीड निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। यह रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितने समय में, 4 घंटा में तय करता है। तो दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, इससे क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा 40 का।
अरे चाल तो आप ऐसे ही निकालते हो ना, कैसे निकालोगे? दूरी बट्टा समय, चाल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 180 में 4 से भाग करिएगा तो 45 हो जाएगा, काट के देख लीजिए आप। 4 से काटिए, 4 चौके 16, 2 बचेगा 4 पंचे 20, 45 ऊपर में किलोमीटर नीचे में आवर, तो हम इसको क्या लिखेंगे? किलोमीटर प्रति आवर लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना, ऊपर में किलोमीटर नीचे में आवर, तो किलोमीटर प्रति आवर यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, फिर दूसरी ट्रेन, यह पहला ट्रेन का यह चाल हो गया, दूसरी ट्रेन यही दूरी, यही दूरी मतलब कितना दूरी, 180 किलोमीटर की ही दूरी दूसरी ट्रेन, बाकी तो भाषा पढ़ना है हमें और उसके हिसाब से इसका आंसर करना है। दूसरी ट्रेन यही दूरी एक घंटा कम समय में, मतलब पहला ट्रेन 4 घंटा में, तो यह दूसरा ट्रेन जो है इसी दूरी को अब कितने समय में तय करता है, 3 घंटा में तय करता है। तो दूसरा रेलगाड़ी का चाल तो यहाँ से निकल जाएगा ना कि दूसरा का चाल क्या होगा, क्योंकि दूसरा दूरी तो इतना ही तय किया है, बस समय एक घंटा कम लिया है, तो समय कितना यह लेगा, समय यह लेगा 3 घंटा, 3 से काट लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 60 ऊपर में 60 किलोमीटर और नीचे में आवर, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी रेलगाड़ी का चाल हो गया। ठीक है, एक का चाल गड़बड़ कर दिए क्या, यहाँ पे आपका 45 चौके 180 ठीक है ना, 45 चौके हाँ जी 180 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर स्पीड आपका कितना ठीक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या पूछा है, इन दोनों ट्रेनों के द्वारा एक घंटे में तय दूरी में कितना अंतर होगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए है, इन दोनों ट्रेन के द्वारा एक घंटे में तय दूरी में अंतर बताइए। तो आप बताइए कि इस रेलगाड़ी का चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक घंटा में यह 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, और इसका स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक घंटा में यह 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दूसरा रेलगाड़ी एक घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर, और पहली रेलगाड़ी जो थी वह एक घंटा में कितनी दूरी तय करेगी, 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटा में 45 किलोमीटर, और हमसे पूछा है कि दोनों के द्वारा एक घंटा में तय दूरी में अंतर बताइए, तो 60 और 45 में अंतर कितना होगा, 15। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है ना, तो फिर क्वेश्चन करने में आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे तो हम लोग आएंगे, उससे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए कि किसी रेलगाड़ी का स्पीड दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 90 किलोमीटर प्रति घंटा यह स्पीड दे रखा है, क्लियर, या चाल दे रखा है किसी रेलगाड़ी का कि चाल भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसके द्वारा समय दे रखा है कि भाई इसके द्वारा 2 घंटा में तय दूरी बताइए। तो बहुत सिंपल है आपके लिए, आप क्या करोगे भाई, दूरी बराबर चाल गुने समय करोगे, तो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 2 घंटा, सोल्व आप कर लीजिए, बड़े आराम से यह क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, आवर से आवर कैंसिल होगा, 90 दुना 180, केवल दूरी का यूनिट आपका बच गया, तो आपका आंसर 180 किलोमीटर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में रेलगाड़ी का चाल आपका वही है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम समझाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा, और इस रेलगाड़ी के द्वारा हम लोगों से पूछ दिया जाए कि भाई आप यह बताओ कि इसी रेलगाड़ी के द्वारा 10 सेकेंड में तय दूरी क्या होगा, गौर से देख लीजिए क्या बोला गया, 10 सेकेंड में तय दूरी क्या होगा, इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम क्लियर करेंगे, और मेन चीज़ यही है आपको, जिसको आपको इस टॉपिक के अंदर समझना है, रेलगाड़ी का चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके द्वारा 10 सेकंड में तय दूरी क्या होगा। अच्छा देखो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी प्रत्येक घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, प्रत्येक घंटा में 90 किलोमीटर, तो एक घंटा में 90, दो घंटा में तो गुना दो, तीन घंटा में तो गुना तीन, चार घंटा में तो गुना चार, दस घंटा में तो गुना दस करेंगे, है ना, चाल गुने समय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो समय दे रखा है किस फॉर्म में दे रखा है, सेकेंड के रूप में दे रखा है, यहाँ देखिए समय किस रूप में था, आवर में, तब परेशानी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ समय सेकेंड के रूप में है। फॉर्मूला भी आप लगाइए, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना, समय 10 सेकेंड। अब सोल्व करके देखिए, यह क्वेश्चन आपका सोल्व भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आपका समय वाला यूनिट कटेगा नहीं तब तक डिस्टेंस निकलेगा नहीं, यह कट जाना चाहिए था इससे, लेकिन यह आवर है या सेकेंड है आपस में तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग अपना आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, यूनिट अलग अलग होने के वजह से, इसके साथ जो यूनिट 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसके साथ जो समय होना चाहिए था वह आवर के रूप में होना चाहिए था, या समय सेकेंड के रूप में है, तो इसके साथ जो स्पीड होना चाहिए था वह आपका मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए था,
ठीक है। स्पीड आपका जनरली दो फॉर्म में मिलता है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड में। तो अब हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी स्पीड को कन्वर्ट करने का या समय को कन्वर्ट करने का। तो ज़्यादा आसान होता है स्पीड को कन्वर्ट करना। यहाँ जो चाल आपका दे रखा है ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें अगर आप 5/18 से गुना कर देते हैं, जो अभी डिटेल में देखेंगे हम लोग, 5/18 से गुना कर देते हैं तो यह स्पीड आपका अपने आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18×5=90, अब 5×5 कितना हो गया 25। अब यह 25 किलोमीटर नहीं रहा, अब क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन आराम से आपका सोल्व होगा कि नहीं। 25 मीटर पर सेकेंड के चाल से 10 सेकेंड में तय दूरी, तो 25 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 25 मीटर की दूरी, तो 10 सेकेंड में 25×10 कितना हो जाएगा 250 मीटर की दूरी। तो आराम से आप निकाल सकते, देख लीजिए चाल गुने समय करिएगा तो 25 मीटर पर सेकेंड के चाल से 10 सेकेंड में तय दूरी, चाल गुने समय करिएगा, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 25×10 250 मीटर, यानी आंसर आपका आ गया। तो आपको कई बार, बहुत ज़्यादा बार आवश्यकता होगी टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड को कन्वर्ट करने की। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा, है ना, स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा, लेकिन उसके साथ अगर समय सेकेंड के रूप में मिल जाए, उसके साथ अगर समय सेकेंड के रूप में मिल जाए या दूरी मीटर के रूप में मिल जाए, तो फिर आपको चाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। यहाँ देखिए किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब कि इसके साथ, इस वाले चाल के साथ अगर दूरी रहे तो वह किलोमीटर में ही रहना चाहिए, और अगर समय रहे तो वह आवर में ही रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। और अगर मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड में अगर स्पीड है तो इसके साथ दूरी मीटर में और समय किस फॉर्म में होना चाहिए, सेकेंड के फॉर्म में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। तो अगर ऐसा न रहे तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, स्पीड को बदल देंगे, चेंज कर देंगे, है ना। अब स्पीड को चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको आवश्यकता है, आपने अभी देखा कि आवश्यकता कब होती है, आवश्यकता है इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का, तो आप इसमें गुना करो 5/18 से। जैसे ही आप स्पीड में 5/18 से गुना करोगे ना, वह स्पीड आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मीटर पर सेकेंड में। यानी क्या होगा, स्पीड का यूनिट आपका चेंज हो जाएगा, ध्यान रहे क्या होगा, आपका स्पीड का यूनिट चेंज होगा, स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे अभी आपने देखा था कि अगर मान लीजिए कि रेलगाड़ी का स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। कन्वर्ट क्यों करने की आवश्यकता है, मान लीजिए कि चाल तो आपका किलोमीटर पर आवर में दे दिया, लेकिन इसके साथ जो दूरी दिया है वह दे दिया मीटर के रूप में, तब तो आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तब तो आपको चाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। या इसके साथ समय दे दिया सेकेंड के फॉर्म में, तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ज़्यादा सिंपल है इसको चेंज करना, चाल को, इसलिए बार बार हम लोग चाल को ही चेंज करेंगे, समय को और दूरी को वैसे ही छोड़ेंगे, बार बार हम लोग इसको चेंज करेंगे और एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, यह याद हो जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर आवर है, अब हमें इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अब 5/18 से गुना करिए, 18 × 54 हो गया, कितना हो गया आपका 5×3=15। अब यह 15 जो है वह किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, अब यह मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि दो रेलगाड़ी है जिसमें से एक रेलगाड़ी का स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा का स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों में फास्ट कौन है, ज़्यादा स्पीड कौन है, तो आप बोलोगे कि सर दोनों का स्पीड इक्वल है, दोनों के स्पीड में कोई अंतर नहीं है, आपने तो सिर्फ यूनिट बदला है। आपने क्या किया है, सिर्फ यूनिट बदला है, किलोमीटर प्रति घंटा से आप बस उसको मीटर प्रति सेकेंड में ले गए हैं, सिर्फ यूनिट को आपने कन्वर्ट किया है, चाल में कोई अंतर नहीं आया है, चाल पहले जितना था उतना ही चाल रहेगा, उसका फॉर्म चेंज हो गया है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहे कि भाई कोई किसी चीज़ के बारे में बोले कि चलो 100 मीटर, है ना, या हम मांगे, चलिए किसी दुकानदार से जाके मांगे कि भाई 1 मीटर हमें कपड़ा चाहिए, और उस दुकानदार ने गलती से हमें 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दिया, वह गलती क्या किया, 1 मीटर के बजाय 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दिया, तो क्या उसने मात्रा कम दिया है या मात्रा ज़्यादा दिया है। आप बोलोगे कि नहीं सर, मात्रा तो सेम ही है, मात्रा में तो कोई अंतर नहीं है, 1 मीटर बराबर तो 100 सेंटीमीटर होता ही है, तो हमने बोला उससे 1 मीटर देने के लिए और उसने 100 सेंटीमीटर दे दिया, कोई बात नहीं है, बस यूनिट उसने चेंज करा है, बाकी तो आपका मात्रा में कोई अंतर नहीं आया है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम बोले कि 1 किलोग्राम सामान भाई तौल के दो, और वह गलती से क्या किया कि 1000 ग्राम तौल के दे दिया, कोई बात नहीं है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम ही तो होता है,
तो 1 किलोग्राम में और 1000 ग्राम में अधिक कौन होगा? सर कोई अधिक नहीं होगा, दोनों बराबर होगा। तो फिर अंतर किस चीज का है यहाँ पे? तो अंतर सिर्फ बोलने का है, यूनिट का अंतर है कि यहाँ केजी बोला गया है और यहाँ पे क्या बोला गया है? ग्राम बोला गया है, बट इस दोनों यूनिट में कोई अंतर नहीं है, तो सॉरी इस दोनों मात्रा में कोई अंतर नहीं है। तो उसी तरीके से 54 किलोमीटर प्रति घंटा बोले हम या फिर 15 मीटर प्रति सेकेंड बोले, दोनों एक ही चाल है, चाल में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यूनिट चेंज हो गया है। यूनिट चेंज हम लोग अपने सुविधा अनुसार करते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में हमें परेशानी ना हो, सुविधा मिले, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो यह हो गया। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इसका हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हम लोग उल्टा भी इसका यूज करेंगे। जैसे कई बार क्या होगा ना कि स्पीड मीटर पर सेकेंड में ही दे देगा और आपको आवश्यकता पड़ जाएगी इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने का, तो फिर आप इसमें क्या करोगे? 18/5 से गुना करोगे। जैसे ही स्पीड को 18/5 से गुना करोगे ना, वह स्पीड आपका किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पीड का यहाँ पे कन्वर्जन है, फॉर्म बस चेंज कर रहे हैं, यूनिट चेंज कर रहे हैं कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसमें आप 5/18 से गुना कर दिए तो वह स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है, आपने उसमें 18/5 से गुना कर लिया तो स्पीड आपका किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक छोटा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि दोनों डाटा तो लगभग सेम है, 5/18 और 18/5, तो हम कब किसका यूज करें? तो सोचना आप जरा सा, अगर हम आपसे कहे कि किलोमीटर प्रति घंटा में और मीटर पर सेकेंड में बड़का यूनिट कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर बड़का यूनिट तो किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट है, आवर है इसमें बड़ा होगा, सेकेंड छोटा यूनिट है। उसी तरीके से इस दोनों न्यूमेरिकल में 18/5 में और 5/18 में बड़का कौन है? 18/5 और 5/18 में बड़का कौन है? आप बोलोगे कि सर 18/5 बड़का है, क्योंकि 18 में 5 से भाग करिए तो 5 का पहरा 3 दशमलव कुछ बार पढ़ना पड़ेगा, और 5 को काटने के लिए 18 का पहरा तो एक बार भी नहीं पढ़ पाएगा, मतलब इसका वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो यह वैल्यू बड़ा है, यह छोटा है, और इस दोनों में यह बड़ा है, यह छोटा है। तो अब आपको क्या सोचना है ना कि अगर बड़का में जाना होगा तो बड़के से गुना, और छोटका में जाना होगा तो छोटके से गुना। बड़का यानी 18/5 से, तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी बड़का में जाना है ना, तो हम 18/5 से गुना करेंगे, और मीटर पर सेकेंड यानी कि अगर हमें छोटका में जाना होगा तो हम 5/18 से गुना करेंगे। बड़का में जाना होगा तो बड़के से गुना, और छोटका में जाना होगा तो छोटके से गुना, ठीक है। अब बड़का में कब जाना होगा? तो अगर मान लीजिए कि स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, हमें देखना है कि जाना कहाँ है, बड़का में कि छोटका में। अगर बड़का में जाना है तो 18/5 से, और छोटका में जाना है तो फिर 5/18 से गुना करेंगे। बड़का में जाना होगा मतलब छोटका देगा, छोटका में जाना होगा यानी कि बड़का देगा, क्लियर। अब एक सवाल आपके मन में और उठेगा, सवाल यह उठेगा कि भाई हम 18/5 या 5/18 से ही गुना क्यों करें, 7/12 क्यों नहीं लिए, 3/12 क्यों नहीं लिए, और कोई दूसरा न्यूमेरिकल क्यों नहीं लिए, 18/5 ही क्यों? तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, समझना आप। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको हमने आपसे कहा कि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से गुना करिएगा, तो आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर 5/18 ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं? उसी का जवाब है, देखिए किलोमीटर सीधे किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर। तो इसको मीटर में अगर हम बदल लें तो 1000 मीटर हम लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। अरे हम बोलते हैं कि घंटा भर समय लगा, तो घंटा भर समय लगा मतलब कि 1 घंटा समय लगा। तो सीधे किलोमीटर का मतलब है कि एक किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को हम मीटर में बदल दिए तो 1000 मीटर। प्रति का मतलब बट्टा होता है, ध्यान रहे यह क्या है, प्रति इसका मतलब तो बट्टा ही होता है, यह तो बट्टा ही लिखा गया है ना। और आवर, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करिए तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड होता है ना जी, 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड होता है। पुनः देखिए क्या किए हैं हम, किलोमीटर के लिए 1000 मीटर और आवर के लिए 3600 सेकेंड, काटिए 00 से, 00 कैंसिल हुआ, ठीक है। हाँ जी, अब 2 से काटिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5, और यहाँ पे क्या बचेगा? 18। अब क्या हो गया, यह ऊपर में 5/18, न्यूमेरिकल को एक साथ लिखिए और यूनिट को एक साथ, ऊपर में मीटर नीचे में कितना? सेकेंड, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा, कितना? पर किलोमीटर आवर के हिसाब से 5/18 मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से यह तो एक था, अगर 2 रहता, सीधे किलोमीटर मतलब कि एक है, तो एक है तो 5/18 से गुना 2 रहेगा, 5/18 से गुना मतलब 5/18 से गुना करिएगा तो स्पीड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में, और 18/5 से गुना करिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कारण है कि हम लोग 18/5 या 5/18 यूनिट का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ और
हम लोग प्रैक्टिस धराधर कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला देख लीजिए क्या है, अगर स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड बता दीजिए क्या होगा। 90 किलोमीटर तो 18 पंचे 90, पंचे 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 मीटर। अच्छा उस जीरो से शुरू करते हैं ना, छोटे वैल्यू से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे स्पीड हम लिख लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, और इधर हम लोग स्पीड लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में कितना इसका चाल होगा, 18 गुने 5 बट्टा 18 करिए 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को आप समझिए, देखिए अगर किलोमीटर वाला यानी बड़का 18 के गुणज में रहे ना तो छोटका हमेशा 5 के गुणज में होगा। बड़का अगर 18 के गुणज में यानी किलोमीटर वाला अगर 18 के पहारा में तो मीटर वाला 5 के पहारा में। जैसे दूसरा देखिए 18 दूना 36 किलोमीटर बराबर, तो देखिए 18 के गुना में है, दोगुना है ना, तो 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड, यानी बड़का 18 का जितना गुना छोटका 5 का उतना गुना। तीसरा देख लीजिए 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह से चौथा देख लीजिए 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी छोटका अगर 18 के गुणज में होगा तो बड़का किसके गुणज में होगा, 5 के गुणज में। पाँचवा देखिए 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो यह कितना हो जाएगा, पंचे 25 मीटर प्रति सेकेंड, यानी बड़का अगर 18 के पहारा में, देखिए 18 एकम 18, 5 एकम 5, 18 दूना 36 तो 5 दूना 10, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 18 पंचे 90, पंचे 25, ठीक है। तो बड़का 18 के गुणज में तो छोटका 5 के गुणज में, छोटका 5 के गुणज में तो बड़का क्या होगा 18 के गुणज में। तो इस लिस्ट को आप ध्यान ही रखिएगा, क्योंकि जब आप टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो यही स्पीड आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 पंचे 90, पंचे 25 मीटर प्रति सेकेंड सीधे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 72, 18 चौके 72 है तो 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 दुना 36 है तो 5 दुना 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। चलिए इसके आगे देखिए, अब जो है ना, अब हम लोग ट्रेन वाले क्वेश्चन के लिए मेन थ्योरी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेन वाला से ही आता है। तो ट्रेन वाले के बेसिक थ्योरी को बहुत ही आराम से आप समझिएगा। पहला देख लीजिए क्या है ट्रेन से रिलेटेड थ्योरी, जैसे पोल, पोल का मतलब कि खंभा, क्वेश्चन में बिजली का खंभा, टेलीग्राफ का खंभा इस तरीके से मिलेगा। पॉइंट, पॉइंट कहने का मतलब कोई भी बिंदु हो सकता है, किलोमीटर वाला बिंदु देखते होंगे बना हुआ रहता है। इसके अलावा मैन, मैन मतलब कोई आदमी हो, औरत हो, कुत्ता बिल्ली सब इसी में आएगा। ट्री का मतलब कोई पेड़। इन सब का जो लंबाई है ना, ट्रेन की लंबाई के तुलना में अगर आप देखिएगा तो यह नगण्य है। नगण्य का मतलब समझ रहे हैं ना, न के बराबर है। किसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोल, पॉइंट, मैन, ट्री। पोल का मतलब कोई खंभा है ना, पॉइंट मतलब कोई भी बिंदु, मैन का मतलब है कि व्यक्ति, ट्री का मतलब है कि पेड़। इन सब का जो लंबाई है वह रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में न के बराबर है, और जिसका भी लंबाई रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में न के बराबर हो वह कहलाता है नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। तो जब भी हम इस वर्ड को बोले नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु बोले तो आप समझ जाइएगा कि वैसी वस्तु की बात की जा रही है जिसका लंबाई रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में न के बराबर है, जिसका लंबाई जीरो होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। और किसी भी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए, कोई भी नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु हो, नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहने का मतलब कोई पेड़ हो, कोई खंभा हो, कोई व्यक्ति हो, इसको पार करने के लिए ना ट्रेन को केवल अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करनी होती है, ठीक है। ट्रेन को कितना दूरी तय करना होगा, केवल अपना लंबाई इतना दूरी तय करना पड़ेगा। पुनः समझिए, पोल, पॉइंट, मैन, ट्री, इन सब का लंबाई रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए इन सब को पार करने के लिए रेलगाड़ी को केवल अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करनी होगी, ट्रेन को केवल अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करनी होगी, क्योंकि वस्तु का लंबाई यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा। जैसे कोई रेलगाड़ी का लंबाई 500 मीटर है, और यह 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार करे ना,
किसी व्यक्ति को पार करे, मैन को पार करे, तो मैन को पार करने के लिए इसे कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? तो व्यक्ति तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु है, यानी इसका लंबाई जीरो होगा, मतलब ट्रेन को केवल अपनी लंबाई इतनी दूरी, यानी कि 500 मीटर की दूरी। तो क्वेश्चन में ऐसे बोले कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि रेलगाड़ी का लंबाई 500 मीटर है और बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार किया है, मतलब रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई इतनी दूरी यानी 500 मीटर की दूरी की तय किया होगा 10 सेकंड में, क्योंकि बिजली के खंभा का तो कोई लंबाई होगा नहीं, जीरो होगा। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कोई ट्रेन है, ठीक है, अब इस ट्रेन को ना हम पार कराते किसी व्यक्ति को, यह कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है आपका, इस व्यक्ति को पार कराते हैं हम ट्रेन से, ओके, चलिए इस व्यक्ति को हम पार कराते हैं ट्रेन से। यहाँ पे देखिए ट्रेन को पार करने की स्थिति क्या होगी, जब ट्रेन बिल्कुल सटा हुआ होगा ना, तब हम बोलेंगे कि ट्रेन पार करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेन अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ट्रेन का इनिशियल स्टेज यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन का आगे वाला पार्ट है, तब हम बोलेंगे कि ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करना शुरू कर दिया। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि व्यक्ति से 10 किलोमीटर पीछे होगा तभी से हम बोलेंगे कि पार करना शुरू कर दिया, व्यक्ति के बिल्कुल समीप आ जाएगा, जैसे यह रेलगाड़ी है तो बिल्कुल के समीप, मेरे बिल्कुल समीप आ जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे कि पार करना शुरू कर दिया। ओके, तो बिल्कुल समीप आ गया है, अब हम लोग बोलेंगे कि ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करना शुरू कर दिया। अब आप देखो कि इस व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, तो देखते चलिए, क्या रेलगाड़ी व्यक्ति को पार किया है? नहीं सर, अभी रेलगाड़ी व्यक्ति को पार नहीं किया है। चलिए लेते चलिए इसको, अब देखिए पीछे वाला पार्ट भी निकल जाए ना, तब हम बोलेंगे कि रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को पार कर गया। तो पार करने के लिए देखिए कितना दूरी तय करना पड़ा, यह चला कहाँ से था, जो चला था उस बिंदु को यहाँ पे हम कर दिए थे, यह वाला पॉइंट यहाँ था और यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, देख रहे हैं ना, यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया। फिर से हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए, जब रेलगाड़ी इस पॉइंट पे था यहाँ पे, तो हम बोले कि व्यक्ति को पार करना शुरू कर दिया। अब देखिए चल के जब रेलगाड़ी यहाँ तक आया ना, पीछे वाला भाई, पीछे वाला पार्ट भी पार कर जाएगा, गुड्स गार्ड वाला जो डब्बा है वह भी पार कर जाएगा, तब तो बोलेंगे ना कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर गया। तो यहाँ पे इसका आगे वाला पार्ट था, हेडलाइट था, अब यहाँ आया तब बोलेंगे कि व्यक्ति को पार कर गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई देख लो आप क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई क्या है, खुद रेलगाड़ी की लंबाई है। तो व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करनी होगी। किसी खंभा को भी पार करने के लिए व्यक्ति को अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है। किसी कुत्ता, कई बार क्वेश्चन में कुत्ता भी लिख देता है, कुत्ता को भी पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करनी होगी। जैसे क्वेश्चन में बोला जाए कि 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार कर गई 10 सेकंड में, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि रेलगाड़ी 10 सेकंड में अपनी लंबाई इतनी दूरी तय की है, क्लियर। तो हमें क्या करना होता है ना कि बस ऑब्जर्व करना होता है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दूरी हम लोग को ऑब्जर्व करना होता है। हर बार तो इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि दूरी इतना है, चाल इतना है, आप समय निकाल दो। आपको क्वेश्चन को पढ़ के ना और डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, स्पीड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आ जाइए एक और कंडीशन यहाँ पे बनता है, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है देख लीजिए, ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुल, ठीक है, ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल। प्लेटफॉर्म तो आप जानते ही हैं, टनल का मतलब होता है सुरंग। इन सब का जो लंबाई होता है, खास करके इसी तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, इन सब का लंबाई रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में कंसिडरेबल है। अच्छा, पुल अगर दे दिया जाए तो पुल की लंबाई को आप नगण्य नहीं मान सकते हैं, पुल बहुत लंबा लंबा होता है, उसकी लंबाई को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। उसी तरीके से प्लेटफॉर्म है, बहुत लंबा लंबा प्लेटफॉर्म होता है, सुरंग है, इन सब का लंबाई रेलगाड़ी के लंबाई के तुलना में कंसिडरेबल है, आपको इसका लंबाई सोचना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अतः इसे सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहते हैं। सेल्फ डिस्टेंस मतलब कि इसका अपने आप में कुछ लंबाई है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहलाएगा, ठीक है, चूंकि इसका अपने आप में क्या होता है, कुछ ना कुछ लंबाई होता है, ठीक है। पोल पॉइंट मैंट्री के जैसा लंबाई जीरो नहीं होता, इसका अपने आप में कुछ लंबाई होता है, इसलिए इसको सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे। और कोई भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु, सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहने का मतलब पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग, इसको पार करने के लिए, कोई भी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को ना अपनी लंबाई के साथ साथ वस्तु की लंबाई के योग इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी।
यानी ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ वस्तु की लंबाई के योग इतनी दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब प्लेटफॉर्म को पार करना है तो ट्रेन को अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल इतनी दूरी तय करना होगा। अगर ट्रेन को किसी सुरंग को पार करना है तो ट्रेन को अपनी लंबाई और साथ में सुरंग की लंबाई के योग इतनी दूरी तय करना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने क्या देखा था, यहाँ पे आपने देखा था कि यह ट्रेन जो है वह किसको पार कर रही थी, यह ट्रेन आपका पार कर रहा था व्यक्ति को, तो ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करना पड़ा। लेकिन हम कोई सुरंग बना लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यह हमारा सुरंग हो गया या फिर कोई पुल हो गया, यह हमारा कोई पुल है या फिर सुरंग है, क्लियर, चलिए बना लिए, यह सुरंग है हमारा या फिर कोई पुल है। अब इसको पार कराइए रेलगाड़ी को, देख लीजिए इसको पार करने के लिए रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, समझना आप, देख लीजिए अभी रेलगाड़ी जो है वह क्या हुआ है, सुरंग को पार करना शुरू किया है, पार नहीं कर दिया है पूरी तरह से, पार करना शुरू किया है, इस फेज में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पार करना शुरू कर दिया, ठीक है, सुरंग के अंदर प्रवेश करना शुरू किया है। अब बताइए क्या रेलगाड़ी पार कर गई है, नहीं सर, सुरंग को पार नहीं की है। पार करने का मतलब है कि पूरा बाहर निकल जाए तभी तो बोलेंगे ना पार कर गई, अब पार कर गई। अब देख लीजिए रेलगाड़ी सुरंग को पार कर गई, कुल कितनी से दूरी तय करना पड़ा, देख लीजिए कहां से लेकर के कहां तक चल के आया है, इस पार्ट को आप देखिएगा ना, इसके आगे वाले पार्ट को आप देखिएगा, हेडलाइट को देखिएगा, जहां पे देख लीजिए यहां पे इस पार्ट को आप देखिएगा, यह पार्ट कहां से चल के, यह जो पार्ट है आगे वाला यहां है अभी, अब यह कहां से चल के कहां तक जाएगा देख लीजिए, चलिए बढ़ के यहां तक आया और आगे बढ़ाइए पार करने के लिए, यहां तक आ जाएगा तब बोलेंगे कि पार कर गया। तो देख लीजिए कहाँ से लेकर के कहाँ तक चल के आया, यह वाला जो पार्ट है यहाँ आ गया है, पहले कहाँ था, पहले यहाँ था, अब कहाँ पे आ गया है, इस पोजीशन पे आ गया है, तब बोलेंगे कि रेलगाड़ी सुरंग को पार कर गई। तो सुरंग को पार करने के लिए कुल कितना दूरी तय करना पड़ा, तो पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह लंबाई किसका है, सुरंग का, तो सुरंग की लंबाई इतनी दूरी, और उसके बाद फिर ट्रेन को अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करना पड़ा। तो पुल को पार करने के लिए या सुरंग को पार करने के लिए रेलगाड़ी को सुरंग की लंबाई और साथ में ट्रेन की लंबाई कुल इतनी दूरी तय करना पड़ेगा। किसी भी पुल को पार करने के लिए रेलगाड़ी को पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कुल इतना दूरी तय करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म की लंबाई और साथ में ट्रेन को अपनी लंबाई कुल इतनी दूरी तय करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं, प्रैक्टिकली हमने चीज़ों को समझाया है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया था। अब जैसे अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए कि कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, कोई रेलगाड़ी है जिसका लंबाई है 700 मीटर। अभी 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा? तो रेलगाड़ी का लंबाई 700 मीटर है, पुल का लंबाई 300 मीटर है, तो पुल को पार करने के लिए 700 और 300 इसे कुल 1000 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाए पुल को पार किया है, प्लेटफॉर्म को पार किया है, सुरंग को पार किया है, तो आप समझ जाइएगा कि रेलगाड़ी ने अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु की लंबाई इतनी दूरी तय किया होगा, ठीक है। चलिए, और अगर बोला जाए कि ट्रेन व्यक्ति को पार किया, खंभा को पार किया, इसका मतलब आप क्या समझिएगा, ट्रेन ने सिर्फ अपनी लंबाई इतनी दूरी तय किया है। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चन से इसको हम लोग और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो बाकी का कॉन्सेप्ट होगा इसके पार्ट टू में हम लेकर के आएंगे, इसके बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा आप अगर हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा। कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपका 16 तारीख से यानी कि कल से शुरू हो रहा है, उसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास होगा, महीने में 20 वीडियोज उसमें आपको मिलेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आपका उसमें क्लास चलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसके बाद आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या है, एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है, उसे 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की गति, देखिए ट्रेन का लंबाई 370 मीटर और 50 मीटर लंबे सुरंग को पार करना है, तो ट्रेन तो 370 मीटर लंबा है, ठीक है, और 50 मीटर का सुरंग है, तो सुरंग को पार करने के लिए ट्रेन को कुल कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई 0, 7, 5, 12, 2, 1, 3 और 1, 4 इतनी दूरी तय करना पड़ेगा, होगा ना जी। रेलगाड़ी का लंबाई 370 मीटर, सुरंग का लंबाई 50 मीटर, तो सुरंग को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, तो 370 प्लस 50 यानी कि 420 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा ना, अभी आपने देखा है इतनी दूरी तय करना पड़ेगा।
और इतनी दूरी तय करता है कितने समय में, 12 सेकेंड में। तो दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। तो ट्रेन की गति, अच्छा ट्रेन की गति जनरली आपका किलोमीटर प्रति घंटा में होता है और पूछा भी है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से चाल तो निकलेगा लेकिन किस फॉर्म में, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर ऊपर सेकेंड नीचे में, तो मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको यहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो, कितना से गुना कर लोगे, 18 बट्टा 5 से गुना कर लोगे। जनरली चाल जो होता है वो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में ही रहता है ट्रेन का, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में आ रहा था, 18 बट्टा 5 से गुना करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। सॉल्यूशन तो आप करिएगा, इसको फिर से समझ लेते हैं। 370 मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबे एक सुरंग को पार कर रहा है 12 सेकेंड में, यानी 12 सेकेंड में कुल इतनी दूरी तय करेगा, कुल इतना दूरी तय करेगा 12 सेकेंड में। तो दूरी बट्टा समय चाल, अब इस चाल को बस किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करते हैं। काटिए 12 पंचे 60, 60 से काटिएगा 6 सते 42, 18 × 7 = 126, और यह 126 अब मीटर नहीं रहेगा, यह क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें 18 बट्टा 5 से गुना कर लिया है। मीटर पर सेकेंड में ही था लेकिन 18 बट्टा 5 से गुना कर लिया है, इसलिए यह आपका किलोमीटर प्रति घंटा में अब कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला है, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी का लंबाई है 162 मीटर। अच्छा इसका स्पीड देखिए कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकेंड में पार करती है। तो आप सोचो जरा सा कि 44 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार किया है, इसका मतलब 44 सेकेंड में इसके द्वारा जो तय दूरी होगा ना, उसमें ट्रेन का भी लंबाई होगा और साथ में प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होगा, यह बात तो कंफर्म है, क्योंकि 44 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार किया है, और प्लेटफॉर्म एक सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने का मतलब है कि अपनी लंबाई के साथ साथ उस वस्तु के लंबाई को योग को भी पार किया होगा। तो हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि पहले यह निकालते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 44 सेकेंड में यह कितना दूरी तय करेगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें आप 5/18 से गुना करिए। आप बोलोगे कि सर 5/18 से गुना क्योंकि आप, हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ जो समय दिया गया है वह सेकेंड के रूप में दिया गया है। तो रेलगाड़ी का स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा या 54 × 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब इस चाल से 44 सेकेंड में इसके द्वारा तय दूरी आप निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं ना, दूरी बराबर चाल गुने समय, यही तो फॉर्मूला यूज करिएगा, निकाल लीजिए। अब सेकेंड से आपका सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 18 से काटेंगे, 18 × 54 हो जाएगा, 5 × 15 × 44 करिए, 15 × 44 से गुना करिएगा, 15 × 60 0 हासिल 6, 15 × 60 और 6 × 66 660 क्या बचेगा, मीटर। तो 660 मीटर की दूरी रेलगाड़ी तय करेगा कितने समय में, 44 सेकेंड में, और 44 सेकेंड में इसके द्वारा जो तय दूरी होगा ना, उसमें रेलगाड़ी का भी लंबाई होगा और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होगा, क्योंकि 44 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गया है। तो पार करने का मतलब है कि उसने अपनी लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय किया होगा। तो 660 मीटर में रेलगाड़ी का भी लंबाई होगा और प्लेटफॉर्म का भी। अब रेलगाड़ी का लंबाई दे रखा है 162, तो फिर इसमें से आप रेलगाड़ी का लंबाई हटा लीजिए, यहाँ पे किसका लंबाई निकला, ट्रेन का भी और प्लेटफॉर्म का भी, चूंकि 44 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार किया है तो दोनों के लंबाई का योग निकला। अब इसमें से ट्रेन का लंबाई दे रखा है, उसको हटा लीजिए, अगर उसको हटा लीजिएगा यानी घटा लीजिएगा तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा। तो 660 में से 162 माइनस करिए, 498 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो मेन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए, चीज़ें समझ में नहीं आए, तो उसको बार बार पढ़िएगा, एक ही क्वेश्चन को 5 बार पढ़िएगा, 7 बार पढ़िएगा, जब पढ़िएगा फिर उसके सॉल्यूशन को देखिएगा, तब जाके चीज़ें ना पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। यहाँ पे बोला है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकेंड में पार करती है, रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे, बहुत ही आराम से सोल्व करेंगे। देखिए क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में, इसका मतलब आप बताइए कि 15 सेकेंड में ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई यानी कि ब्रिज की लंबाई कुल इतना दूरी तय करता होगा, यह बात तो कंफर्म हो गया ना जी, क्योंकि क्या बोला है कि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार करता है। तो पुल को पार करने का मतलब है कि 15 सेकेंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों के योग को पार करता होगा।
आगे बोला है उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में। अब आदमी कहीं भी खड़ा रहे, आदमी को पार करने का मतलब है कि ट्रेन अपनी ही लंबाई इतनी दूरी तय करता होगा, तो ट्रेन अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करता है 9 सेकंड में। आदमी को पार करने के लिए बोले तो समझ जाइए कि अपनी लंबाई इतनी दूरी। अब आप देखो यहाँ से इस दोनों के मदद से आप यह निकालो कि केवल पुल इतनी दूरी रेलगाड़ी कितने समय में तय करेगा, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई 15 सेकंड में, सिर्फ अपनी लंबाई 9 सेकंड में, यानी पुल की लंबाई रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगा, 6 सेकंड में पार करेगा। यह बात आप समझ पाए होंगे, रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई 15 सेकंड में। यह बात कैसे पता चला, तो बोला है कि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में, तो पुल को पार किया है 15 सेकंड में, तो पुल को पार करने का मतलब कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई और पुल की लंबाई, ट्रेन प्लस ब्रिज दोनों के लंबाई के योग को 15 सेकंड में, इतनी दूरी 15 सेकंड में, और आदमी को पार किया है ट्रेन 9 सेकंड में, तो आदमी का मतलब तो नेग्लिजिबल डिस्टेंस, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई 9 सेकंड में पार किया है, तो केवल पुल इतनी दूरी कितने समय में, तो अपना और पुल मिला के 15, अपना 9, यानी पुल इतनी दूरी इस दोनों से निकल जाएगा, पुल इतनी दूरी 6 सेकंड में। अब इसको आप मत देखो, इसका कोई रोल नहीं है, इसका काम खत्म हो चुका है। आपने क्या निकाला अब तक में, ट्रेन अपनी लंबाई इतनी दूरी 9 सेकंड में तय करता है, ट्रेन अपनी लंबाई इतनी दूरी 9 सेकंड में, और पुल की लंबाई इतनी दूरी 6 सेकंड में। अब क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, इसके अलावा बोला है कि 150 मीटर लंबे पुल को, पुल का लंबाई कितना मीटर, 150 मीटर। सोचिए जरा सा, पुल का लंबाई 150 मीटर है, यूनिट का काम हम लोग बाद में कर लेंगे, पुल का लंबाई 150 मीटर है, तो इतनी दूरी रेलगाड़ी कितने समय में तय किया है, 6 सेकंड में तय करेगा। पुल का लंबाई 150 मीटर है और पुल इतनी दूरी, पुल को पार करने में ना 15 सेकंड, पुल इतनी दूरी तो 6 सेकंड में है ना, और ट्रेन इतनी दूरी 9 सेकंड में, और कुल मिला के पार करने में 15 सेकंड, तो पुल इतनी दूरी 6 सेकंड में और पुल का लंबाई है 150 मीटर, तो दूरी बट्टा समय क्या निकला, चाल। अब हमें चाल थोड़े बताना है इस क्वेश्चन में, हमें क्या बताना है, हमें बताना है रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी, रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगा वही रेलगाड़ी का लंबाई। तो रेलगाड़ी का लंबाई कैसे निकलेगा, तो रेलगाड़ी देखो अपनी लंबाई कितने समय में पार करता है, 9 सेकंड में, तो रेलगाड़ी के चाल से ही 9 सेकंड में जो तय दूरी होगा, इसी चाल से 9 सेकंड में जो तय दूरी होगा वही रेलगाड़ी का लंबाई होगा। तो दूरी बट्टा समय से पहले चाल निकाले और चाल गुना समय करके दूरी निकालिए, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लिए हैं। अब देखिए 6 से अगर आप इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 नमा 225, यानी 225 मीटर लंबाई किसका हो जाएगा आपका, रेलगाड़ी का। ठीक है, आराम से इसको आप बैक कर करके इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा अगर समझने में परेशानी हो। रेलगाड़ी 225, रेलगाड़ी का लंबाई कितना मीटर हो जाएगा आपका, 225 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अगला सवाल है एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड। देखिए सेम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड, प्लेटफॉर्म को मतलब ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के लंबाई के योग इतनी दूरी तय करता है 15 सेकंड, पार करने का मतलब दोनों की लंबाई के योग इतनी दूरी, और एक व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड। व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि ट्रेन अपना, तो ट्रेन अपना लंबाई कितने समय में पार करता है, 7 सेकंड में पार करता है, मतलब अपनी लंबाई इतनी दूरी 7 सेकंड में। अच्छा बताओ यहाँ से केवल प्लेटफॉर्म इतनी दूरी कितने समय में तय करेगा, तो इस दोनों से निकल जाएगा ना, ट्रेन प्लेटफॉर्म 15, ट्रेन 7, यानी केवल अपनी लंबाई इतनी केवल प्लेटफॉर्म इतनी दूरी कितने समय में, 8 सेकंड में। अब इसको आप हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है, 7 और 8 15 हो गया ना, प्लेटफॉर्म को पार करने में 15, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई के योग को 15, केवल ट्रेन 7, केवल प्लेटफॉर्म 8, मतलब केवल ट्रेन इतनी दूरी 7 सेकंड में और केवल प्लेटफॉर्म इतनी दूरी 8 सेकंड में। अब बोला है ट्रेन की चाल बताइए, देखिए ट्रेन का क्या बताना है हमें, ट्रेन का चाल बताना है, तो देखिए दूरी क्या दे रखा है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई दे रखा है 400 मीटर, क्लियर, प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 400 मीटर, चाल के लिए तो दूरी और समय चाहिए 400 मीटर, और प्लेटफॉर्म इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगता है 8 सेकंड, तो इतनी दूरी तय करने में 8 सेकंड लगता है। आप बोलोगे कि सर 15 सेकंड किस में लगता है, तो 15 सेकंड पार करने में, तो पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई और इसमें यहाँ पे पुल की लंबाई साथ साथ ट्रेन की लंबाई दोनों को मिला के 15 सेकंड ना, केवल पुल इतनी दूरी कितने समय में 8 सेकंड में, तो पुल का लंबाई पता है इतनी दूरी 8 सेकंड में, दूरी बट्टा समय चाल निकलेगा, लेकिन यहाँ से जो चाल होगा वह मीटर पर सेकंड में होगा, बस इसमें आप 18/5 से गुना कर लीजिए, क्योंकि चाल देख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो यहाँ से रेलगाड़ी का क्या निकल जाएगा आपका, चाल निकल जाएगा। काटिए 8 × 5 = 40, 40 × 40 गया, क्या बचा 10, 18 × 10 = 180, आपने 18/5 से गुना कर रखा है इसलिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। यह आपका टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट वन है। पार्ट टू इसका हम बनाए कि नहीं, इसके लिए आपको सबसे पहले कमेंट करना पड़ेगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक नए ट्रिक के साथ और टाइम एंड डिस्टेंस के अगले टाइप के साथ। थैंक यू। जय हिंद।